अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपका बेबी सफेद कलर की पोटी कर रहा है क्या ये खतरनाक हो सकता है बच्चे सफेद कलर की पोटी क्यों करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा यह सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर ए एच मंडल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी तो दोस्तों अगर आपका बेबी सफेद कलर की पोटी कर रहा है और उसे एक वीक से ज्यादा हो गया है तो ये एक खतरनाक सिचुएशन है बच्चों में येलो ब्राउन या ग्रीन कलर की पोटी नॉर्मल समझी जाती है और ये पोटी कलर बाइल यानी के पिथ की वजह से होता है बच्चों में सफेद कलर की पोटी आना इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती है जैसा के पेट के कीड़े मैंने आपको पहले बताया है की येलो ब्राउन या ग्रीन कलर की पोटी को समझा जाता है जो कि बाइल की वजह से होती है और ये बाइल यानी के पित्त एक बाइल एक्ट के जरिए पित्त से छोटी आंत में आती है लेकिन अगर आंतों में मौजूद कीड़े इस बाइल डक्ट में घुस जाए खास तौर पर लिवर फ्लूक, तो ये बाइल डक्ट में इंफेक्शन पैदा करके इसको बंद कर देते हैं और बाइल या पित्त छोटी आंत में नहीं नहीं आ पाता तो बच्चा जो पोटी कर रहा होता है इसका कलर सफेद हो जाता है इसका ट्रीटमेंट प्लान ये होता है कि आप बच्चे को फौरन डिवर्म करने वाली मेडिसिन दें वायरल हेपेटाइटिस अगर किसी वजह से आपके बेबी के जिगर पर वायरस का हमला होता है जिसकी वजह से आपके बेबी का जिगर मतलूबा मकदार में बाइल पैदा नहीं कर पाता जिसकी वजह से आपके बेबी को व्हाइट कलर की पोटी आ सकती है इसके ट्रीटमेंट प्लान में मेरा आपको मशवरा यही होगा कि आप अपने बेबी को किसी जिगर और मेदे वाले स्पेशलिस्ट को जरूर और फौरन चेकअप करवाएं। स्टमक फ्लू इसी तरह जिन बच्चों में स्टमक फ्लू का इशू चल रहा होता है उन बच्चों में भी सफेद कलर की बॉटी आ सकती है बच्चों में स्टमक फ्लू वायरस की वजह ऐसी होता है अगर आप स्टमक फ्लू के बारे में जानना चाह रहे हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें इसके ट्रीटमेंट प्लान में आपको वो तमाम एहतियात करनी है जो स्टमक फ्लू के बेबी में की जाती हैं स्टमक फ्लू का दुरानिया 48 से 72 टू आवर्स हो सकते हैं जिसके बाद बच्चा खुद ब खुद ठीक हो जाता है बाइलरी एट्रीजिया ये एक पैदाइशी बीमारी है इसमें बच्चों की वो नाली बंद होती है जो बाइल को जिगर से गाल ब्लैडर मतलब फिते में लेकर आती है जो बच्चा इस बीमारी में मुब्तला होता है उसे सफेद कलर की पोटी आती रहती है अदर काजेज इसी तरह उन बच्चों में व्हाइट कलर की पोटी आ सकती है जो का सिरप एंटा वगैरह पी रहे हो एंटी फंगल और दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर रहे हो तो ऐसे बच्चों में व्हाइट कलर की पोटी आना नॉर्मल है जैसे ही मेडिसिन बंद करेंगे पोटी नॉर्मल कलर में आ जाएगी जी तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में